अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं न्यूट्रिएंट जो मेरा सेक्शन है जिसमें मैं फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह हर्ब्स वगैरह के बेनिफिट्स बताता हूँ और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक जो है सीड कह लें इसे तो ज़्यादा बेटर है, तो यह जड़ी बूटी में भी इसे आप शुमार कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए आज सौंफ एनी सीड के बेनिफिट्स लेकर आया हूँ। इसमें फनल सीड भी इसे कहते हैं और स्टार एनी सीड भी इसी के टाइप है जिसे बादयान कहते हैं। चलें दोस्तों इसके आते हैं फ़ायदों की तरफ और फिर उसके बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगा। दोस्तों ये बहुत ही मुफीद किस्म की एक हमारी जड़ी बूटी है जो तकरीबन हम डेली ही खानों में इस्तेमाल करते हैं और इसके हेल्थ प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों मैं आपको वो बता देता हूँ, पेन किलर है। ऐसी जगह पे आपको दर्दें रहती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे दर्दें रहती हैं, जिसम के किसी बॉडी पार्ट में दर्दें रहती हैं तो सर दर्द रहता है, तो ये बॉडी को आपको काम करता है, ठीक है। तो पेन किलर है ये, इसे इस्तेमाल करें। और ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। सौंफ को वो अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो ऐसा ऐसा सौंफ और बादियान वगैरह को, स्टार एनिसिड भी इसी की टाइप है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे लोग जिनके सर के ऊपर जुए हैं, लिखे हैं बहुत ज़्यादा, सिकरी है और बहुत ज़्यादा किस्म की उनके सर पर ख़ारिश होती है तो इसे इस्तेमाल करें। ये एंटी लाइस भी है, यानी जुओं का खात्मा करता है। और ऐसे लोग जिनके पेट में कीड़े हैं, जिन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उनका जिस्म नहीं बड़ा होता, इट्स मीन कि उनके पेट में कीड़े हैं, हाथों में कीड़े हैं, तो वो इसे सौंफ को इस्तेमाल करें, ऐसा ऐसा पेट के कीड़े जो है हलाक हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इससे इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। तो कह लें जी ये सोने के भाव वाला हिसाब है कि अगर आपको किसी भी किस्म की डाइजेशन प्रॉब्लम है, स्टोमिक प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, तो सौंफ आपके लिए एक सोने से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सोने के से बढ़कर एक कीमती चीज़ है। तो सौंफ को आप अपनी खुराक में लाजमी शामिल कीजिए। और ऐसे लोग जिन्हें गैस रहती है, कब्ज़ रहती है, उनके लिए बहुत मुफीद है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसमें विटामिन ए भरपूर मकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से ये आई साइड को मज़बूत करती है, यानी आपकी जो बसारत है वो अगर कमज़ोर है तो वो उसे शार्प कर देगी, तेज़ कर देगी। तो सबसे बेस्ट ये मशहूर है जड़ी बूटी सौंफ जो है हमारी आंखों के लिए। तो पेट अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसे इस्तेमाल करें तो ऐसा ऐसा आपके पेट के अंदर जो आपके ज़ख़म है या किसी भी किस्म का अल्सर है तो ऐसा ऐसा ये दूर हो जाएगा इसके इस्तेमाल से। और ऐसे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न को कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक चाय बताऊँगा जो एसिडिटी, जो पेट में तेजाबियत होती है उसके लिए बहुत बेनिफिट होगी वो टी। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको इसकी एक चाय भी सिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आपके पेट की जितनी बीमारियाँ अल्सर वगैरह है तेजाबियत है ख़त्म हो जाएगी उससे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसके फ़ायदों की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बता दी एसिडिसिटी यानी तेजाबियत में भी ये बहुत मुफीद है, अल्सर में भी बहुत मुफीद है। और ऐसे लोग जिनके मसल कमज़ोर हैं अगर वो इस्तेमाल करें तो ऐसा ऐसा उनके असाब जो हैं मज़बूत हो जाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। पेशाब में अगर जलन रहती है, पेशाब के नाली में ज़ख़म है, तो सौंफ के पानी और अरकियात इस्तेमाल करने से आपके पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती, बेख्वाबी की शिकायत रहती, यानी पूरा पूरा दिन वो काम करने के बाद जब रात को बेड पे जाते तो रात को उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आती, जिसके से चिड़चिड़े मिजाज के हो जाते हैं, दिमाग को सुकून पुरसकून नहीं रहता उनका। तो ऐसे लोग जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। जस्ट इसकी चाय बनाएं आप, सौंफ को उसमें डालें या दूध के साथ इस्तेमाल करें या बग़ैर दूध के, तो इसका जो है सिंपल पानी के साथ मिला के आप चाय बना के पिए तो आप वो पी लें तो आपको रात को बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे लोग जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह हैं, जितने भी आपको गुर्दों की प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी ये बहुत बेनिफिट किस्म की जड़ी बूटी है, तो इस वजह से आप इसे उसमें भी इस्तेमाल करें। तो इसकी दो टाइप मैंने आपको बता दी, एक सिंपल वाली एनी सीड कहलाती है फनल सीड और एक स्टार एनी सीड कहलाती है जो फूल की शक्ल में एक मसाला हमारा होता है जिसे बादयान भी कहते हैं, वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की, वो सौंफ की ही एक टाइप होती है। दोस्तों आप सौंफ के मैं कुछ आपको नुकसान बताऊंगा, मैंने आपको फ़ायदे बता दिए। ऐसी औरतें जो हामले हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के साथ हैं, तो उसे सौंफ को कम इस्तेमाल करें।
प्रेगनेंसी में ये अच्छी नहीं है इसे इस्तेमाल करना। और ऐसे लोग जिन्हें जुनूनियत है, मिर्गी है, जिन्हें इस जो चिड़चिड़े से किस्म के बहुत हाई लेवल का होते हैं, जिन्हें दौरे पड़ते हैं, वो भी इसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल कम करें या बिल्कुल मत करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये दोनों मरीज़ जो हैं मत इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जिन्हें प्रेगनेंसी है और जिन्हें मिर्गी का मर्ज है, उसमें इनकी जो प्रॉब्लम है ज़्यादा हो जाएगी। आपको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं और आपकी डीएनसी वगैरह भी हो सकती है। इस वजह से सौंफ को प्रेगनेंसी में हद तक अमकान बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, और मिर्गी के मरीज़ भी। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो है सौंफ के जो मैंने फ़ायदे आपको बताएँ आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। उसमें के वो किड्स का चैनल है, उसमें मैं बच्चों के लिए ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ, पेंसिल्स कलर के साथ, मार्कर कलर के साथ, पोस्टर कलर्स वगैरह के साथ, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।